प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले फंस गए हैं। भाजपा की ओर से उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। इसी श्रृंखला में विधायक कृष्णा खोपड़े ने नाना पटोले के खिलाफ लखनगंज पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई और नाना पटोले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के आपत्तिजनक बयान ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ओर से नाना पटोले के इस वक्तव्य की घोर निंदा की गई। इसी कड़ी में विधायक कृष्णा खोपड़े ने भी इस वक्तव्य की घोर निंदा की, साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई वक्तव्य कहा गया हो तो मुंबई से पुलिस आती, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की है तो क्या राज्य सरकार सोई है, ऐसा उन्होंने सवाल खड़ा किया। कांग्रेस कमिटी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले यांनी भंडाऱ्याच्या जाहीर नागरिकासमोर मैं मोदी जी को मार सकता हूँ, मोदी जी को गाला दे सकता हूँ अशा प्रकारचे खुले वर्षण त्यांनी त्या ठिकाणी केलं आणि हे सगळ्या राज्याच्या देशातल्या मीडियाने सुद्धा हे पाहिलंय। आणि म्हणून अशा नाकर्ते सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे झोपले आहे का, गृहमंत्री झोपले आहे का? एकाचा कार्यकर्त्यांनी अगर जितेंद्र आव्हाड बद्दल ट्वीट केलं तर तिथून मुंबईवरून सरकारी खर्चाने तातडीने पोलीस नागपूरला आली। उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे बद्दल बोलले तर ताबडतोब पोलीस नागपूरला येऊन त्यांना अरेस्ट केलं। हे त्याच्यापेक्षा भी भयानक गुन्हा, त्याच्यापेक्षा भी भयानक गुन्हा हा नाना पटोलेंनी केला आहे। देशाचे पंतप्रधान हे देशाचे पंतप्रधान आहे, कोणत्या पक्षाचे पंतप्रधान नाही, आणि म्हणून नाना पटोले यांना तत्काल अटक करावी। इस वक्त उन्होंने जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की मांग की और अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करेगी तो पुलिस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कहा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।